पता नहीं मुझे ये बहुत प्यारा लगता है ये। मैं बहुत ही गुस्सा हूँ, मैं जा रही हूँ, चलो। रिकी देख एक ऑस्कर उतरा गाड़ी से। शादी के टाइम मत पड़ दी। गुस्से में पहले हो जाएगी क्या, मेरी ना होगी? बीवी हो तो ऐसी यार। और देखो ये जो हमारा जो छोटू है ना, पता नहीं मुझे ये बहुत प्यारा लगता है ये। और ये छुट्टी जा रहा है, तो मैंने तो अभी ये, तू तो अभी बाद में आ गया, मैंने तो पहले से लगा के इसको ऐसे गले लगा रखा था। ये जा रहा है 10 दिन की छुट्टी। ये बहुत अच्छा है, 10 दिन बाद ही आ जाएगा। है भी छोटे 10 दिन। हाँ लो, तो हमारी डांटा तुझे मैंने कभी? मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, पता ना क्यों, इतना सीधा इतना अच्छा है बहुत। और घर वाले जाके खुश हो रहे, ठीक है, घर में सबसे हाल चाल देना, सबका ध्यान रखना, जल्दी आना। ये लीजिए, ये मिठाई के लिए पैसे हैं, ये अलग से मिठाई के लिए। हमारी तरफ से अपने घर को मिठाई ले लीजिए, अपनी मम्मी के लिए, इनके लिए, ठीक है? ठीक है बेटा, खुश रहे, अरे खुश खुश रहो, जल्दी आ जाइए, ठीक है बेटा? ठीक है। अच्छा सुनो, एक जैसे एक आधा में से कुछ मैंने जल्दी आकर ले, कुछ ऐसा कुछ नहीं बोलना, क्यों बहुत सीधा आए और अच्छा सीधा नहीं, अच्छा मतलब अच्छा समझदार भी है। बाबू को प्यार कर जा। बाबू का पास सो है। अच्छा प्यार रखा, उसे छोटे पकड़ रखा है, इसी के पास सोना, रात को तुम बैठ में सुला लो, कूद कर जाएगा छोटे के पास सोएगा। अच्छा तो रात में आया था 3 बजे, पता कल क्या हुआ? कल क्या हुआ है? कल हमें मुंबई से 3:30 बजे की फ्लाइट थी। अच्छा, गोवा के लिए, क्यों गोवा, कल मेरी एक मीटिंग थी, 4:30 बजे वहाँ से फ्लाइट गई, फ्लाइट गोवा पहुँच गई, गोवा ऊपर ही घूमती रही क्योंकि वहाँ थंडर स्टॉर्म था बहुत ज्यादा और तेज हवाएं थी, मतलब 40 और 50 की हवाएं चल रही थी, 1 घंटे ऊपर रह गए, फिर वापस उसने वापस मुंबई उतार दिए। अच्छा, अब वहां से मुझे तो फिर अगले दिन फिर मुझे यहाँ कुछ काम था, फिर रात में मैं फिर बाहर निकला एयरपोर्ट से क्योंकि अंदर से कुछ उठा नहीं, और लोगों ने वहाँ झगड़ा, मेरे तो आने के बाद में बता रहे हैं कि लोगों ने वहाँ बहुत झगड़ा वगड़ा किया, लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे जब फ्लाइट वापस आ गई। फिर उसके बाद में आया, फिर मैंने टिकट ली, फिर दूसरे एयरपोर्ट पे गया मैं, टर्मिनल 1 पे गाड़ी मंगाई, फिर मैंने गाड़ी लेके कैब लेके वहां गया, वहां से फिर फ्लाइट ली रात जब मैं 3 बजे यहाँ आया। 3 बजे आके भी 6 बजे उठ गए हो? हाँ। जी ये रोते क्यों ना? आज तो फिर भी 4 घंटे, ज्यादा 4 घंटे मानो। हाँ। मुझे सुबह जल्दी जगने और अभी सी एनर्जी भरेंगे रात तक, रात के 11 बजे तक यूं ही घूमेंगे। और पता है अभी करण भी यहाँ से गया है और ये भी, इन्होंने मेरे ऊपर एक प्रतिबंध लगाया है कि अब मैं जहाँ भी जाया करूंगा एक बंदा मिनिमम 1 या 2 आदमी मेरे साथ जाया करेंगे, ये यूँ कह रही है, 1 आदमी को लेके जाया करो, 1 PSO भी साथ में लेके जाया करो, हमेशा लेके जाया करो। अब इन्होंने मेरे पीछे नहीं लगा दिया, 2 टिकट हमेशा करेंगे। गोलू चेक, टिकट भेजते हैं ना चेक करने के लिए, तो टिकट पर देख लो 2 बंदे के हैं कि नहीं है। ठीक है, ये रिकी का डिसीजन है, रिकी का डिसीजन है, ये रिकी ने डिसीजन लिया है। हाँ। तो मेरे साथ कोई ना कोई जरूर जाएगा, कोई ना कोई जरूर। तो ये जा रहा है आज छोटू, कितने दिन में आ जाएगा वापस? 5-6 तारीख में। कितने घंटे लगेंगे जाने में तेरे को? 11-12 घंटे ट्रेन में जा रहा है ना। एक चीज में दिखाती हूँ, ये जो हमारी फेवरेट कढ़ाई है, ये ममता ने देखो कितनी अच्छी कर दी, मतलब घिसना शुरू कर रही है आज के लिए, इसे साफ कर देगी। ये बना रही हूँ मैं सेंध की सब्जी, और इनकी सबसे ज्यादा फेवरेट अगर कोई चीज है दुनिया में तो सबसे ज्यादा सेंध है। अब ये देखना पूरी सेंध को अकेले खा लेंगे, मैं तो ऐसे भी नहीं खाती, मेरे को नहीं पसंद है, मैं ऐसा खा सकती हूँ कच्ची, जैसे ये है ना अभी ये खा लूंगी, लेकिन बस इसमें प्याज और हरी मिर्च और बेसिक मसाले, कुछ नहीं ज्यादा एक्स्ट्रा चीज, जीरा हींग प्याज बादर थोड़ी धनिया पुदीने की चटनी। मैं बताऊँ कैसी बनती है, आज मैं होटल वाली चटनी बना रही हूँ, टिक करके खाते हैं ना किसी भी चीज़ को, धनिया पुदीने की। देखो इसमें पता क्या जाएगा, देखो हरी चीज थी इतनी सी मिर्च रखी है जरा सी, सिर्फ एक चुटकी हल्दी, थोड़ा सा ये धनिया हल्का सा, ये देखो अब इसमें जाएगा पानी, ये 5 ही मिनट में पक जाएगी, नमक कम आ, नमक नहीं मिल रहा, 5 मिनट भी ना लगते इसे पकने में, सब्जी को बनने में। ये हो गया नमक, अब बनाऊंगी एक फ्रेश चटनी, बहादुर छोटा वाला जार देना, ये हरी मिर्च, लौ टमाटर, लौंग, ये देखिए छोटी सी प्याज, बहादुर को कितना टाइम लग गया धनिया पुदीना डालने में, ये डाला टमाटर, ये जाएगी इसमें एक प्याज, आइस क्यूब डाल के जब भी चटनी पीसते हैं ना तो कलर चेंज नहीं करती, वो काली काली चटनी बन जाती है ना आइस क्यूब से, ऐसे ही चटनी रहेगी ग्रीन एकदम, पुदीना और ये धनिया, धनिया थोड़ा सा, ये जाएगा इसमें नमक, थोड़ा सा काला नमक, सिर्फ इतना सा हींग, हींग जाएगी और थोड़ा सा जाएगा ये जीरा, मतलब है ना बिल्कुल ग्रीन चटनी। अब इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच इसी में मिक्स करके,
ये ऐसी वाली चटनी होटलों में सबने खाई होगी, जैसे चिप्स या कोई भी चीज डिप करने के लिए नहीं देते खाने के लिए, प्याज प्याज के ऊपर जो डालते हैं। बहादुर कल वाले को तो वेज वाली बिरयानी बना लो, मेरे को चटनी देख के बिरयानी याद आ गई, इसमें प्याज काट के डालते हैं। अच्छा चटनी ऐसा बनाना, नमक चेक कर देना, नमक डाल देना बस इसमें, ठीक है। ये हो गया, ये मेरी बन गई, और सेंध की सब्जी बन गई, सेंध की सब्जी ये मैं बना रही हूँ इसी के साथ, मेयोनीज वाली चटनी जो मैं खुद से बनाती हूँ, बहुत अच्छी दही और मेयोनीज के साथ, ये बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। देखो अब इसमें मेयोनीज जा रही है, ये एकदम ही बहुत टेस्टी हो जाएगी। ये देखो ये थोड़ा सा हल्का सा नमक जाएगा इसमें, ये और चिली फ्लेक्स थोड़ा सा, ये काला नमक बस, वहाँ हो गया, ठीक है। ये देखिए ये कितनी टेस्टी है। कल बम्बू ने हलवा बनाया था लखन के लिए, ना तो करण को मिला और ना सैंडी को मिला और कंचन को, इसको तो मिल गया है अनिकेत को, तो मुझे मिल गया सुबह, पर बहुत टेस्टी, इतना टेस्टी है ना, हलवा ही नहीं खाया, खाना टेस्टी था वो, अलग रेसिपी थी, थोड़ा बहुत ही बचा होगा आप, दूध में बनाया था हमने, टेस्ट तो करना चाहिए, सब तारीफें कर रहे हो, मैं सोच रही हूं कि यार मेरे को भी नहीं मिला हलवा। लखन को मम्मी के हाथ की बनी चीजें बहुत पसंद है उसे, और भम्मू आज आगरा गई है, जो मेरे दोस्त है ना बीवा भाई, जो भाभी जी है वंदना भाभी जी बुलंदशहर वाली, उनके जो बहनोई साहब थे वो एक्सपायर हो गए हैं, वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, बड़ी दुखद हो है, मुझे भी जाना था लेकिन मैं चूँकि रात ही आया हूँ और मुझे अभी कहीं जाना है मेरा, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया हूँ, लेकिन वो गई हैं। भाई मुझे फिर इतना सारा क्यों बढ़ जा, मैं तो जबरदस्ती खाया है। चुप रहो, आपने खूब खाया, वो हलवा किसने रखा मेरे लिए कटोरी, टेस्ट भी डेवलप कर लिया था मुँह में, दूध का होना वो बहुत ही प्यारा हलवा था। आंटी चेक मुझे भी करवा लेते, अभी रुके हैं हम एक ढाबे पे, यहाँ पे मोहित भैया को और गुड्डू अंकल को चाट दिलवाई, खा के बता रहे एक्टिंग में मत ही खाओ। गुड्डू अंकल को कह रहा हूँ क्या ले रही हूँ, आप ये लिए छोटी अरहर टी मीठी, मतलब हाजमे के लिए बहुत अच्छी, ये तो आप पहले भी लेके गई, वो भी ऐसी फेंकी हमने तो, ये दूसरी है, ये वो है छोटा धनिया, धनिया दाल, धनिया दाल रोस्टेड जो अच्छा। हम वहाँ खाते हैं रोस्टेड होटल वो होटल सुरुचि में, ये 100 रुपए तेरे पापा के लिए, ठीक है ये बस लिए मैंने, भैया ठीक है पंजाबी, इतने सारे ले लिए वो जी, इतने सारे क्या करोगी आप, ये क्या लिया है, डायबिटीज के लिए है, डायबिटीज के चूरन, ठीक है घर में किसी पड़ा रहेगा तो दे दो, अच्छा ये है बादल चूरन जो हाजमे के लिए सही होता है, दो तीन चीजें ली है, ये सबसे बेस्ट है अनार पान है, पान एक अनारदाना आप वहाँ पे भी तो डालते हो चटनी में, ये कौन सा है, ये खा गए जिससे टेस्ट चेंज हो रहा है, मतलब चेहरे मतलब क्या अच्छी खुशबू आ रही है, सैंडी के लिए ये ऑस्कर, बुआ को लगा ऑस्कर घूम रहा है, वो रहा वो आया, ये लगा लेकिन ऑस्कर से पतला कितना है, फिट है वो, लद्दड़ हो रहा है वो तो, लद्दड़ है ही, रिकी देख एक ऑस्कर उतरा गाड़ी से, वैसे ही हमारा सामान हो गया अंकल, चलो डन ना, अब तो नीचे कुछ भी अब नीचे है ना, ऑस्कर ये ऑस्कर की तरह रिक्की देख, हमें ऑस्कर मिला है, ऑस्कर हेलो, अब हमारी गाड़ी उतर गई इधर, सॉरी उतर गई कह रहा हूँ, आ गए हम एक नॉर्मल ढाबे पे खाने, क्या वो नहीं बताओ क्या चाहिए, वो अब तो दाल खाओगी है ना, दाल और रायता, तो मैं नहीं क्यों देख रही हूँ, वो तो आपका रटा हुआ है ना, बस और कढ़ाई पनीर, ठीक है क्या मंगाना है, खाने वाले तो मैं तो ही है, तो हाफ आप मंगा लो ना, आज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, आज हमारी मतलब एक रिश्तेदारी में दूर की में मतलब एक हमारी यादगारी में आगरा में डेथ हो गई, तो आज मैं वहाँ पर गई हुई थी, तो आज ना ब्लॉग बनाना मेरा अवसर शुरू हुआ, चार बजे से मैंने शुरू किया है बनाना, आज बिल्कुल मूड नहीं था, मूड एकदम खराब हो रहा था, मैंने थोड़ा सा शुरू करा क्योंकि थोड़ा ठीक भी हो जाए, अगर आप हमारी फैमिली है तो कुछ बताना भी सही रहता है कि हाँ कहाँ मैं गई, क्या करा क्या नहीं करा, वो सब बताना होता है आपको, अभी सुबह से कुछ खाया नहीं है तो भूख लग गई बड़ी तेज, तो अभी रुक के कहीं छोटा सा कुछ खा गया, हल्की सी भूख लगी है, अभी भी आप खाती थोड़ी अगर मैं नहीं रोकता गाड़ी ना, चलो कुछ क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए फिर टाइम हो जाएगा, मैं 6 के बाद फिर मैं खाऊंगी नहीं, जब तक घर पहुँचेंगे नहीं, नहीं अभी इसे खा के सर वाली दवाई भी खाओगी माइग्रेन की, अब बुआ के सब्सक्राइबर भी मिल गए,
आ गया पनीर। आपने दाल भी मंगाई है बुआ जी, कैसा लगा खाना? ठीक ही लगा। टंडी इसमें तेरे लिए कुछ आया है, देख चेक करो। ये वो खट्टी वाली अनारदाना, ये बहुत अच्छा है। देखा मैंने इसे जो ऐसे पता नहीं क्या हो गया बेटा। तो देखो अब हम अपने बैठ गए वाटर बॉडी की साइड में, अगर हम इसे चला देते ना तो इसमें पानी झरना ये चलता है वैसे अब। हाँ अच्छा लगता है। नहीं नहीं चलता है कभी देखा नहीं, चला कल चलाएंगे। ठीक है इसमें पूरा पानी भरना पड़ता है, वीडियो बना लेना। और यहाँ बैठ के इतना अच्छा लग रहा, मतलब हवा हमारा ऐसे पास हो जाती है, इधर से निकल जाती क्रॉस होते हुए, मतलब रुकती हुई हवा होती है ना तो लगती नहीं है, ये सीधी क्रॉस होती हुई जा रही है। और आप हमें ना कोई गेम बताएं, अब हम सब लोग हैं जैसे अभी यहाँ पे कीर्ति भी है, सैंडी, गोलू, हम छोटू, सब लोग और सारी हमारी टीम बहादुर वगैरह, तो आप लोग ना हमें कोई गेम बताएं कि हम क्या क्या गेम कर सकते हैं, तो फिर हम गेम खेले करेंगे शाम के टाइम। आई स्पाइस खेलेंगे दिन, जैसे मैंने जब नेहाई तब खेला था, या कोई और गेम खेला है, कोई भी अच्छा सा गेम बताओ मस्ती वाला, मतलब एक वो ना हो कि बैठे बैठे गेम खेल रहे हैं, कोई मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कुछ ऐसा वाला गेम जो हम भाग दौड़ा कुछ ऐसा करें, वो वाले गेम जो बचपन में आप सबने भी खेले होंगे, हमने भी। अभी गोलू याद है मार देते हैं फिर वो ईंट खड़ी, गेंतड़ी ना पिट्ठू पिट्ठू वो ऐसा लगा के लगाने, वो लगाने पड़ते हैं पत्थर मार के पड़ते हैं है ना, और जब तक वो वरना बॉल मार दे फेंक के उसे बना के ले ना, वो हमारे साथ ही है, वो नहीं है सकता है। आप तो गू की लकड़ी ज्यादा खेला, लकड़ी को मैंने खेला वो पैर के नीचे तो यूं फेंक दे लकड़ी फिर पेड़ पर चढ़ जाते हैं, वही तो आम के पत्ते। और एक वो वाला खेला आपने ऐसा गोल चक्कर सा बना के चप्पल इकट्ठी करके यूं चप्पल मारते हैं उसकी, ये तो नहीं था तो ना। चप्पल मारने वाला है ना, इसकी चप्पल बाहर निकल जाती है, चप्पल बाहर निकल जाती है उसको उस पे आ जाती है, ये नहीं खेला हमने। उसके लाइन खींच के ऐसा और पहले अपनी तख्ती ले लेकर, जो हमें इसको हमारे टाइम में तो तख्ती चले कर रही, तख्ती पैसा बॉल उछाल उछाल के खेले करे, जो बाहर वाले होकर लाइन के वो उसे पकड़े करे, हम ऐसा उछाल उछाल के अपने पास ही ले लेकर चिप्पी ऐसे आगे लंगड़ी चौक से बना लंगड़ी टांग एक और कितना, जब वो दो या तीन खाने उसी के होते हैं ना और कूदना हमें वहाँ पड़ता है तो हम क्या करें उससे, क्या हमें वो दे दे बिच्चा दे दे, तो वो ना इतना सा गाड़ के वो दे देख रहा कि इस लाइन से इधर नहीं आना, इधर ला गए तो आउट, फिर हम ऐसे धीरे धीरे ऐसे निकल रहे हैं और फिर लास्ट में ऐसा सैंडी सैंडी सुन, हम जैसा मान लो अब ये खाने बने हुए ऐसी तो बने होकर और यहाँ हमारा खिप्पा आ गया यहाँ से लेकर और ऐसा हो गई कि एक आंख पे पीछे रख के ऐसा आना, तो सैंडी देख पता कैसा आएगा, ऐसा आंख पकड़ लिया ऐसे ऐसे देखते हुए, मतलब ये ऐसे लाइन भी नहीं बिगड़नी चाहिए ऐसा कर तो पूरा पार कर देख रहे हैं, तो आप तो देख कर चलिए चलना तीन में चली नहीं है अब क्या, तीन में चलो बिना देखे चली ना मैं अब देखना पहले ही गिनना आना चाहिए ऐसे देख देख के लग रहे जो बीमार हुई है ऐसी बीमार शादी के टाइम मत पड़ी है बहुत हो लिया स्ट्रेस कितना मतलब देखो पहली बार ऐसा सुन तू तो मस्त मजे से जाओ ना नहीं एक चीज तो फिक्र है जैसे या तो कहीं गई ना हो लंदन तक रही आई है कितने साल रह आई तू लंदन मतलब 12th के बाद ही बाहर ही रही है अब जब इसने आकर अपना बिजनेस कर लिया तब कर लिया ठीक उसके बाद ऐसे जाने से डर रही है बुखार वाली आज डोलो खा कर बैठी देखी ना बुखार से नहीं उतर गया मैंने कही है क्या मेरी ना होगी आते ही मुझसे पहले भुगे आज मैं ले जाएगी हेड मसाज कराऊंगा मैं इनकी तीसरे चौथे दिन ले जाया करूंगी जो भी टाइम मिले करेगा बेटा आजकल पत्नी मेरी मेहरबान है मेरे ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो चलिए हेड मसाज करा नहीं हाँ ये रात कल बहुत परेशान है मुझे कल जब मेरी फ्लाइट वहां उतरी टर्बुलेंस में ऐसे घूम घूम फिर मुंबई आ गए मैं इसलिए रुकाने भाग गया है लगा आप सही टाइम पे आ गए आप जी आप सही टाइम पे आ गए देखो मेरा तो मन नहीं था पर इसका फोन गया ऑफिस में था बोले फ्री हो गए मैंने कहा चलो आज हेड मसाज करानी है आपकी बीवी हो तो ऐसी यार
क्या हुआ? अभी नींद आई, पूरी मसाज करेगा तब आई है नींद लास्ट में। अब ऐसा लग रहा होगा और करे और करे है और कराऊ है ना बुआ जी, अगली बार आओगे तो डबल करा देना। पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, कमेंट भी करें और कमेंट से भर दें, कमेंट से भर दें मतलब एकदम।